अमीर ने इंडोनेशिया के सदर जमहूरिया को उनके मुल्क के यौम आजादी के मौका पर मुबारकबाद का एक कीबल भेजा है। कतरी टीम ने आज जुमे को कतर यूनिवर्सिटी हॉल में खेले गए मैच में अमान को 19-82 से शिकस्त देकर गल्फ इंडर 15 बास्केटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतरी टीम ने मैच के दौरान शानदार कारकर्दगी पेश की जो उसके बेशतर उद्वार में बराबर रही, लेकिन दूसरे क्वार्टर 28-20 में कतर की बढ़तरी ने उन्हें पूरे मैच में बढ़तरी दिलाई। इस फतह के साथ ही कतर की टीम ने बहरीन के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, जिसने पहले राउंड में अमान को भी शिकस्त दी। रियासत कतर ने दूसरी सदारती मुद्दत के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक के एचई सदर लुइस रोडोल्फो अबिनाडर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। डोमिनिकन रिपब्लिक में कतर के सफीर यासिर अवाद अल अब्दुल्ला ने तकरीब में कतर की नुमाइंदगी की। यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी यूडीसी, जो एक मारूफ कतरी पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी और दी परल और जीवान जजायर के मास्टर डेवलपर है, को कंटिन्यूटी इंश्योरेंस एंड रिस्क CIR मैगजीन यूनाइटेड किंगडम की जानिब से बीन लाकवामी बिजनेस कंटिन्यूटी ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड कारोबारी तसलसल और लचक में यूडीसी की गैर मामूली कामयाबियों को तस्लीम करता है, जो दी परल आई लैंड में कंपनी के स्टीक होल्डर्स को एली मयार की मसनूआत और खदमात की बुला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। यूडीसी को उसके कारोबारी ऑपरेशंस के जामा बिरूनी जायजे के बाद ये पहचान मिली। इस तशखीस में इंजीनियरिंग और तामीराती सरगर्मियों का इंतजाम, रहायशी और खुर्दा इंतजाम, कम्युनिटी खदमात और तिजारती और रहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात, इमारतों और यूडीसी के जेर मलकियत और चलाने वाले उसासों की देखभाल शामिल है। ये एजाज यूडीसी को एक अहम डेवलपर के तौर पर और द पर्ल आइलैंड को कतर की पहली कम्युनिटी के तौर पर कायम करता है, जो मजबूत बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और हिकमत अमलियों को नाफिज करने के लिए पहचानी जाती है। ये निज़ाम जरूरी कामों को जारी रखते हुए खलल डालने वाले वाकयात को मुनज्जम करने के लिए मुअस्सर मंसूबों की ब्रोकत, अपडेट, कंट्रोल और तैनाती, हंगामी हालात, सलाहियतों और कारोबारी जरूरियात का हिसाब किताब यकीनी बनाते हैं। मजीद बरां सर्टिफिकेशन बेमिसाल चीलंजों के दरमियान यूडीसी के ऑपरेशनल फजीलत और लचक के अज़्म की निशानदही करता है, जिससे कारोबारी रकावटों, तबाही से बहाली और परल आई लैंड की हैसियत को एक ऐली तर्ज जिंदगी की मंजिल के तौर पर बरकरार रखने की सलाहियत को उजागर किया गया है। समाजी तरक्की और खानदान की वजारत ने माजूर अफराद के हुकूक PWDs पर एक तरबीती कोर्स का इनेकाद किया, जिसमें वबाई अमराज और तनाजुआत के मामलात में इस जुमरे के लिए बहरानी मंसूबा तैयार करने के अलावा माजूर अफराद की तौलीदी सेहत से मुतालिक मौजूआत का इहाता किया गया। हंगामी हालात में उनके लिए जरूरी तहफ़ और मदद की फराहमी को यकीनी बनाना। वजारत थकाफत का कतर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फोरम चिल्ड्रन लिटरेचर सेंटर के तावुन से कल इतवार से बुध तक समर रेडिंग कैंप के दूसरे एडिशन का आगाज करने वाला है। सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल ने एक जामा डिजिटल अदालती निज़ाम को तैयार करने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर वाटिस ईप के जरिए कानूनी चारा जुई के लिए वर्चुअल एम्प्लाई सरूस शुरू की है। काउंसिल ने वर्चुअल एम्प्लाई की तरफ से फराहम की जाने वाली पहली खिदमात की पायलट एप्लीकेशन शुरू की है, जिसमें प्लेटफार्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मेमोरेंडा फाइल करना भी शामिल है, जिसे वर्चुअल एम्प्लाई रोबोटिक टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहांत का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर रजिस्टर करेगा। वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने इतवार को कतर में सोशलिस्ट जमहूरिया वियतनाम के सफीर गुयन हुई हीप से मुलाकात की। मुलाकात में फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के फरूग पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम इत्तानी ने इतवार को मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर अनवर इब्राहिम के साथ फोन पर बात की। फोन कॉल के दौरान दोनों फरीकों ने दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उनकी हमायत और तरक्की के तरीकों का जायजा लिया।
उन्होंने गजा की पट्टी और मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में ताज़ा तरीन पेश रफ्त के साथ साथ पट्टी पर जंग के खात्मे के लिए मुश्तरिका सालिसी की कोशिशों में होने वाली ताज़ा तरीन पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। कतर हिलाल अहमर सोसाइटी QRCS ने ऐलान किया कि शमाल मगरबी शाम में अब तक तकरीबन 144,000 अफराद ने जामा गजायत और बच्चों की गजायत के प्रोग्राम तक रसाई को बढ़ाने के मंसूबे से फ़ायदा उठाया है। एक बयान में QRCS ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद पूरे शमाली शाम में 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामिला दूध पलाने वाली खवातीन में गजाई कुल्त की शरह को कम करना है। उसने मजीद कहा कि ये मंसूबे शमाली शाम में उसकी जारी इंसानी कोशिशों का हिस्सा हैं। 27 कम्युनिटीज की खिदमत करने वाले 3 इलाकों में 8 मोबाइल क्लिनिक्स और 6 स्टेशनों के जरिए खुसूसी सेहत के कारकनों के एक बड़े नेटवर्क से फ़ायदा उठाते हुए ये प्रोजेक्ट मरबूत गजाइत की खदमात के मायार और कवरेज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रुपों पर खसूसी तोजह दी जाती है, जैसे कि कम वज़न और गजाइत का शिकार बच्चे। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत MECC ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 38 घास के मैदानों की बाड़ लगाने और बहाली का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। ये कोशिश वसीयातर कतरी सहरा की बहाली के मंसूबे का हिस्सा है, जो कि मुल्क के पौधों के उहाता की हिफाजत और सहरा बंदी का मुकाबला करने के लिए वक्फ है। MECC में वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद अल खानजी ने बताया कि इस मंसूबे का तवील मुद्दती हदफ अगले 5 सालों में 100 घास के मैदानों की बहाली है। ये इकदाम एक वसीया डेटा इकट्ठा करने के अमल की पीरवी करता है, जिसमें मरगजारों की शनाख्त और तरजीह दी जाती है जिनमें पौधों को खतरा लाहिक है और जिनमें नायाब पौधों की अनवा शामिल हैं। एक मुतवाजन नुक्ता नज़र को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी अमल में माहौलियाती और समाजी अवामिल पर गौर किया गया है। वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम तानी ने इतवार को अकवाम मुतहदा के HA सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोटेरेस से फ़ोन पर राबिता किया। काल के दौरान उन्होंने गजा की पट्टी और मकबूजा फिलस्तीनी इलाकों में पेशरफत पर तबादला ख्याल किया, खास तौर पर पट्टी पर जंग के खात्मे के लिए मुश्तरका सालिसी की कोशिशों, मशरिक वस्ती में जारी कशीदगी और परामन और कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। खते में कशीदगी, अक्वाम मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल ने मसला फिलस्तीन के मनसफाना, जामा और पायदार हल के लिए कतर की रियासत की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कतर की रियासत फिलस्तीनी बच्चों के तालीमी उमूर की कौंसल के हंगामी इजलास में शिरकत कर रही है, जो काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरेट जनरल में इतवार को शुरू होकर 2 रोज तक जारी रहेगा। इस इजलास का मकसद गजा की पट्टी में तालीम के शाबे को दरपेश शदीद चैलेंजों और फौरी जरूरियात को हल करना है। अली हुसैन अल जरहाब ने अरब लीग में रियासत कतर के मुस्तकिल मिशन की नुमाइंदगी की। अजलास से अपने खिताब में अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए फलस्तीन और मकबूजा अरब इलाकों के सफीर सईद अबू अली ने कहा कि अजलास का मकसद गजा की पट्टी में तालीमी शाबे और उसकी तबाह कन सूरतहाल का जायजा लेना है। जारी इसराइली जारहियत, इस शाबे के चैलेंजेस और उसकी फौरी जरूरियात के साथ उन्होंने मजीद कहा कि ये अजलास इसराइली जारहियत का मुकाबला करने और फिलस्तीनी तालीम के शाबे की हमायत में फलस्तीन की हमायत करने के फर्ज के एहसास से पैदा हुआ है। अबू अली ने वजाहत की कि गजा की पट्टी में तालीम के शाबे को बहुत ज्यादा इंसानी और मादी नुकसानात की वजह से एक खौफनाक तबाही का सामना करना पड़ा है, जिससे सरकारी और निजी दोनों तरह की तालीम मुतासिर हुई है। उन्होंने निशानदही की कि अक्वाम मुतहदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फार फिलस्तीन रिफ्यूजीज इन नायर एस्ट यूनारवा के जेर इंतजाम स्कूलों को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया है, जो खुद भी तबाही से नहीं बच सके हैं, वहां आम शहरी पनाह हासिल कर रहे हैं। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि गजा में तालीमी शाबे की तबाही के पैमाने पर मजीद इकदाम और फौरी जरूरतों को पूरा करने, आफत के असरात को कम करने और उसके असरात से निमटने के लिए जरूरी अमदादी मेकानिज्म की फराहमी की जरूरत है। तालीम की मौजूदा सूरतहाल
फिलस्तीनी तालीम का मुस्तकबल और फिलस्तीनी आने वाली नस्लें, उन्होंने फिलस्तीनी अवाम की लचक को बरकरार रखने में तालीम के अहम किरदार पर जोर दिया। बदले में फिलस्तीनी हुकूमत में तालीम और एली तालीम के वजीर डॉक्टर अमजद बरहम ने कहा कि इसराइली काबिज अफवाज ने गजा की पट्टी में तमाम फिलस्तीनी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को तबाह कर दिया है, जिनमें फिलस्तीनी हुकूमत के तहत 309 स्कूल और यूएनआरवा के तहत इतनी ही तादाद शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि इनमें से 290 स्कूल गजा में तबाह हो चुके हैं, जबकि बाकी स्कूल इन लोगों के लिए पनाह गाहें बन गए हैं जिनके घर इसराइली जारहियत से तबाह हुए और जो अब बेघर हैं। डॉक्टर बरहम ने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो गजा की 80% से ज्यादा यूनिवर्सिटियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि UNRWA और फिलस्तीनी हुकूमत के जेर इंतजाम गजान के स्कूलों में 630,000 तलबा थे, जिनमें से 9,500 अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 15,000 जख्मी हुए। इसके अलावा 3,000 इस शदीद जंग के नतीजे में माजूर हो गए। डॉक्टर बरहम ने निशानदही की कि 229 सरकारी स्कूल और 110 नजी स्कूलों के इसातिजा भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हंगामी इजलास में शिरकत के मौका पर अलाजहर यूनिवर्सिटी गजा के सदर प्रोफेसर उमर मिलाद ने कतर न्यूज एजेंसी QNA को बताया कि गजा में जारी इसराइली जारहियत की वजह से इस साल हाई स्कूल की सतह के 40,000 तलबा इम्तिहान में नहीं बैठ सके। उन्होंने कहा कि गजा में एली तालीम का शाबा भी इसराइली कब्जे से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मिलाद ने उस वहशियाना जारहियत की वजह से गजा में यूनिवर्सिटी के 68,000 से जायद तलबा के मसाइब पर रोशनी डाली और इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि गजा की अलाजहर यूनिवर्सिटी को इसराइली इदारे ने तबाह कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और क्रोशिया में कतर के साबिक सफीर नासिर बन हमद अल खलीफा कुछ अरब इसराइलियों से ज्यादा सहूनी हैं। बेलारूस का कहना है कि वो मगरबी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तआवुन के लिए तैयार है। कोलंबिया ने गजा जंग की सजा के तौर पर दहशतगर्द मल्क इसराइल को कोयले की बरामदात पर पाबंदी की बाजाबता मंजूरी दे दी। इसराइल के दहशतगर्द मुल्क तल अबीब में धमाका, एक आदमी मर गया है। मुनाफिक डोनाल्ड ट्रंप: अगर आप दहशतगर्द मुल्क इसराइल से नफरत करते हैं तो हम आपको अपने मुल्क में नहीं चाहते। मैं तमाम आजादी पसंद हमास के हामियों को गिरफ्तार करके मुल्क बद्र करूंगा। ईरानी सदर पीजश्कियान: अगर अमेरिका जंग रोकना चाहता है तो उसे इसराइली हुकूमत को गजा में नस्ल कशी बंद करने पर मजबूर करना चाहिए। पाकिस्तान के जेल में बंद साबिक वजीर आजम उमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए बाजाबता तौर पर दरख्वास्त दे दी। आप देख रहे हैं कतर और आलमी खबरें नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और तबस्सरा करें।